बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं चाय की रेसिपी शेयर करूंगी, इसने यूट्यूब पे धूम मचाई हुई है। चाय बनाने के लिए चीनी, इलायची, चाय की पत्ती और ये मिट्टी के गुल्लड़ हैं। मैं 2 कप चाय बना के तैयार करूंगी, तो चलें ये सामान लेकर किचन में चलते हैं। सबसे पहले एक बर्तन जिसमें चाय तैयार करनी है चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। आँच हल्की रखनी है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून दानेदार चीनी शामिल कर देंगे। चाय की पत्ती जो घर में यूज करते हैं अब वो 1 चम्मच डाल देंगे और 1 इलायची शामिल करके इसे अच्छे से पकने देंगे। चीनी मेल्ट होने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। चीनी के साथ ही हमने पत्ती और इलायची डाली है ताकि हल्की हल्की चाय की पत्ती और इलायची भुन जाए। जब ये अच्छे से भुन जाएगी तो इनका अरोमा खुशबू चाय के मज़े को दुबाला कर देगा। तो बस अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें 2 कप भर के दूध भी शामिल कर देते हैं। इसे पवे के साथ फेंट फेंट के पका लेंगे। चाय को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चाय का कलर अच्छा सा ना निकल आए। चाय माशाल्लाह अच्छे से बन के तैयार है। अब इसे मिट्टी के गुल्लड़ में डालकर सर्व कर लेते हैं। बहुत ही यूनिक और टेस्टी चाय बनके तैयार हुई है। ये चाय इतनी मज़े की है, जो लोग चाय नहीं पीते वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।